वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट पार्ट टू ऑफ द चैप्टर वन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं हम। सेकेंड वीडियो है ऑब्वियसली, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये सब हम पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा जरूरी पोर्शन है ये, ध्यान से देखिएगा। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज डू दैट एंड हिट द बेल आइकन सो व्हेन आवर वीडियो इज अपलोडेड यू कम टू नो अबाउट द सेम। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो बेसिकली द टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए, एनसीईआरटी आपको कहती क्या है, कहती है कि इन क्लास 9th वी हैव लर्न दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस एटम्स ऑफ वन एलिमेंट Do not change into those of the another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear elsewhere. Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. Basically, ये जो lines है ना, ये बात कर रही है about a law called law of conservation of mass. Law of conservation of mass हमने पढ़ा था कि एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लाइक अगर एक रिएक्शन में आयरन के एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी आयरन ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ और, मतलब एटम्स नहीं नहीं आएंगे, मॉलिक्यूल्स नए बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ एफ ई रिएक्ट्स विद ओ टू टू फॉर्म एफ ई टू ओ थ्री, चलिए बैलेंस कर लेते हैं पहले इसको, थ्री टू फोर, चलिए बैलेंस हो गया है। तो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो अल्टीमेटली यू विल रियलाइज कि सही है, आयरन और ऑक्सीजन ने मिलके आयरन ऑक्साइड बनाया, बट अल्टीमेटली आयरन के एटम्स रिएक्टेंट साइड में भी है, प्रोडक्ट साइड में भी है, ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड में भी है, प्रोडक्ट में भी है, और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, द बॉन्ड्स आर फॉर्म, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, सो न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म। ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस? बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस है ना, इन विच मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स टेक प्लेस, कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर फाइव डिफरेंट टाइप। जैसा कि हमने मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले लेट स्टार्ट विद द वेरी सिंपलेस्ट वन, कॉम्बिनेशन। देखो, अगर मैं आपको नाम से ही बता दूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में होता क्या है, डिफरेंट रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि भैया 4Fe प्लस 3O2 फॉर्मिंग Fe2O3, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आयरन और ऑक्सीजन का क्या हुआ, कॉम्बिनेशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इज अनदर एग्जांपल गिवन हियर, देखो क्या क्या रहे है ना, एक एक्टिविटी करवा रखी है कि भैया एक बीकर में आप कैल्शियम ऑक्साइड लो, उसके अंदर धीरे धीरे आप पानी डालो, और जब पानी डालोगे तो क्या होगा, खैर बेसिकली होगा ये, अगर आपने कभी व्हाइट वॉश होते वैसे तो नहीं देखा होगा, बट अगर कभी देखो तो अगर लाइम को, चूना जिसको हम कहते हैं, उसमें पानी अगर डालेंगे ना तो बहुत हीट निकलती है, बहुत एक्सो मतलब हीट प्रोड्यूस होती है उसके अंदर से। ठीक है, सो लिख रखा है यहाँ पे, द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम, व्हिच इज एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है वो, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, एक चीज याद रखना, ऑल दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो दे में आस्क व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन एग्जाम, तो आप बोलेंगे ऑल दोज रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, तो हो क्या रहा है, आप देखो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो सी इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सच अ रिएक्शन। नाउ देयर इज अ डेफिनेशन जो बहुत काम की है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सी
सी प्लस ओ टू फॉर्मिंग CO2, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पहचानने का तरीका, एक प्रोडक्ट होगा और बहुत सारे रिएक्टेंट्स होंगे, मतलब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन कर गए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डन। हाँ, सो हेयर एग्जाम्पल, सी प्लस ओ टू सी ओ टू, एच टू प्लस ओ टू एच टू ओ, दीज ऑल आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो इन सिंपल लैंग्वेज वी मे से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, सो एक्टिविटी में बात हमने करी थी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। तो जैसे मैंने बताया, इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड हेयर इज द डेफिनेशन, द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑल दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनीथिंग, बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग में हीट प्रोड्यूस होती है। डू यू नो दी रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ही लाइन बहुत जरूरी है, एग्जाम में आया था एक बार, इफ रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यस, इट इज एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन में वी ब्रीद एंड दी ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न दी ग्लूकोज इन अवर बॉडी टू प्रोड्यूस हीट। बॉडी का एक टेम्परेचर होता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, कैसे मेंटेन होता है? कुछ तो जल रहा होगा बॉडी के अंदर, ग्लूकोज। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, सो हियर इट्स गिवन, सी द रिएक्शन इज गिवन, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सी, ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल राइस प्रोड्यूस पोटैटोज एंड द ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन सेल्स ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन टू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई भी चीज जमीन में छोड़ दी जाए तो सड़ करके, वो टूट करके, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होकर के वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, डन। नाउ वी कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस डिफरेंट रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, इन दिस वन अ सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक्स डाउन इनटू मल्टीपल, अ सिंपल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हेन हीटेड इट ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इन द सेम वे, इफ फेरोसल्फेट, वी हीट फेरोसल्फेट, इट फॉर्म्स फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Now they are also talking about an activity. Take 2 gram of ferrous sulfate crystal in a boiling tube. Note the color of the ferrous sulfate crystal. Heat the boiling tube over a flame or a burner. Observe the color of the crystal. Okay. So have you noticed the green color of the ferrous sulfate? Actually, ferrous sulfate na green color ka hota hai. Ferrous sulfate kaisa hota hai? Green. और फेरस ऑक्साइड कैसा होता है? ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। सो व्हेन वी हीट द फेरस सल्फेट, इट्स ग्रीन कलर गोज अवे, दिस इंडिकेट्स अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस एंड इट विल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड व्हिच हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। सो सिंपली, if in a reaction a single reactant breaks down into multiple products, it is called a decomposition reaction. Okay. So in this case you have observed that a single reactant breaks down to give simpler products. This is a decomposition reaction. Ferrosulfate crystal lose water which heated
एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड व्हाइट एंड वाइल द सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर गैसेस. दैट इज ओके. सी लाइमस्टोन वाला एग्जांपल भी गिवन है जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था. अगर आप लाइम कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल और लाइमस्टोन को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, डन. नाउ लेट्स लर्न अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शंस. हैव दे गिवन हियर, वी टॉक अबाउट इट लेटर. ओके, देयर इज अनदर एक्टिविटी. देयर इज अनदर एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं भाई, टेस्ट ट्यूब में आप लेड नाइट्रेट पाउडर ले लो, उसको हीट करो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो भैया जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे इट ब्रेक्स डाउन इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. यू विल ऑब्जर्व एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स. अब जो ब्राउन फ्यूम्स है ना, वो ब्राउन फ्यूम्स होती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की. दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो लाइक इन डिकम्पोजिशन ना, हमने पहले फेरिक ऑक्स सल्फेट का डिकम्पोजिशन की बात करी. सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलती है. हम कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं. हम लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं. कोई ना कोई एक रिएक्शन एग्जाम में आएगी ही आएगी. अच्छा, एक और एक्टिविटी करवा रहे हैं. इस एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं कि आप एक प्लास्टिक का मग लो, ठीक है, उसमें नीचे दो होल कर दो और उसमें दो टेस्ट ट्यूब डाल दो. ठीक है, ये रहा. टेक अ प्लास्टिक मग, ब्रिक टू ड्रिल टू होल्स एट द बेस, फिट रबर स्टॉपर्स इन दिस होल्स, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड. बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, कुछ शॉर्ट में बताऊं तो. इन्होंने मग लिया है जिसमें लोग कार्बन की रॉड डालेंगे, उस कार्बन की रॉड को एक बैटरी से जोड़ेंगे और अंदर भर देंगे पानी. और जब करंट पास करवाएंगे ना, तो उनको ना दोनों इलेक्ट्रोड्स पे बबल्स दिखाई देंगे. बबल्स, अभी बबल्स कहां से आए भाई? ये इसलिए आए क्योंकि H2O ब्रेक्स डाउन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बैलेंस करना पड़ेगा, सो लेट्स बैलेंस इट. ठीक है, वाटर विल ब्रेक डाउन टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. कोई पूछे जी ये बबल्स किस चीज के हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हैं. क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल आएगा. क्या आएगा? ये पूछा जाएगा एनोड पे कौन सी गैस निकली थी, याद रखना ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस. जी नहीं, आप देख सकते हैं दो हाइड्रोजन गैस बनती है तो सिर्फ एक ऑक्सीजन गैस मिलती है, मतलब हाइड्रोजन की क्वांटिटी विल बी मोर देन दी क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन. इसीलिए आप देखो ऑक्सीजन वाले में ना, ऑक्सीजन वाले में देखो ये एम्प्टी पोर्शन कम है. कम क्यों है? क्योंकि वहां पे कम ऑक्सीजन है. एम्प्टी पोर्शन मतलब गैस, तो ऑक्सीजन गैस कम है, हाइड्रोजन गैस ज्यादा है. क्योंकि इक्वेशन में आप देख सकते हो और अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मड इज डबल टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. सो इट्स रिटन दैट इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, आंसर इज नो. द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड विल बी मोर इन केस ऑफ द टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट एट कैथोड बिकॉज डबल द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विल बी फॉर्म. डन, दैट्स इट. ओके, देयर इज वन मोर. देयर इज वन मोर. इफ सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड इज लेफ्ट अनअटेंडेड इन दिस सनलाइट, इट ऑल्सो ब्रेक्स डाउन टू गिव सिल्वर एंड क्लोरीन. यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट. व्हाई? बिकॉज सिल्वर क्लोराइड वॉज व्हाइट एंड द सिल्वर इज ग्रे इन कलर. दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन टू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट. इन द सेम वे सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो गेट्स डिकम्पोज. सो इफ यू हैव ऑब्जर्व स्टार्टिंग की रिएक्शंस में ना, हमने डिकम्पोजिशन करवाया हीट को यूज करके तीन तीनों रिएक्शंस में. फिर इस वाली रिएक्शन में हमने डिकम्पोजिशन कराया इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, और अब हम डिकम्पोजिशन करा रहे हैं सन को यूज करके. तो आप ना कई जगह वर्ड पढ़ सकते हैं, दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन.
इलेक्ट्रिसिटी वाला इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, और सनलाइट वाले को कहते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, सो वी हैव सीन दैट डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। नाउ द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनिशियली वी टॉक्ड अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच हीट इज रिलीज्ड, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखिएगा। लेट्स मूव टू दी अनदर वन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ देयर इज एन एक्टिविटी। आप ना टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लो। क्या लो? कॉपर सल्फेट। ठीक है, और इस कॉपर सल्फेट का कलर तो है ब्लू, आपको दिख ही रहा होगा। इस कॉपर सल्फेट में ना आप आयरन की कील, लोहे की कील, आयरन नेल डाल दो। ठीक है, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि जो ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था ये गायब हो गया, ये फेड होकर के व्हाइट हो गया, कलरलेस हो गया। क्यों हो गया भाई? तो इसलिए हुआ क्योंकि व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर टू मेक इट पैरासल्फेट एंड कॉपर इज प्रोड्यूस। नाउ दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इट्स गिवन दैट। एंड ऐसा, और फिर कॉपर कहाँ जाएगा जी? कॉपर जो है वो आयरन की नेल पे डिपॉजिट हो जाएगा, और आयरन नेल ब्राउन कलर की हो जाएगी। ठीक है, देखो व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कॉपर सल्फेट वॉज ब्लू इन कलर, द फेरस सल्फेट इज कलरलेस, द आयरन रिप्लेसेस कॉपर एंड कन्वर्ट्स कॉपर सल्फेट इन टू फेरस सल्फेट, सोल्यूशन कलरलेस हो गया, और जो कॉपर निकला ना वो ब्राउन कलर का होता है, वो आयरन की नील पर डिपॉजिट हो गया। क्या सिर्फ आयरन ऐसा कर सकता है? जी नहीं, द जिंक कैन ऑल्सो रिप्लेस कॉपर, जिंक कैन ऑल्सो रिप्लेस कॉपर इन द सेम वे। अगर आप कॉपर सल्फेट बिना आयरन नेल की जगह जिंक की नेल्स डाल दोगे तो भी ऐसा ही होगा, ब्लू कलर गायब हो जाएगा क्योंकि जिंक विल रिप्लेस कॉपर, सेम विद द लेड। अच्छा, अगर मैं सिल्वर डाल दूं तो भी होगा क्या? सिल्वर विल रिप्लेस कॉपर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर एक मेटल ऐसा काम नहीं कर सकता, हर कोई कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकता, सिर्फ वही मेटल्स कॉपर को रिप्लेस कर पाएंगे जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक, लेड एंड इवन आयरन आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, एंड दैट्स व्हाई द डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, एंड दिस इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हाउ डू वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इन अ रिएक्शन इन विच वन मेटल डिस्प्ले वन एलिमेंट डिस्प्लेसिज अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड देन वी कम टू अनदर वन कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब एक एग्जाम्पल ले, देखो कह रहे टेस्ट ट्यूब में ना आप बेरियम क्लोराइड ले लो, BaCl, और उसके अंदर ना आप एक मतलब धीरे धीरे सोडियम सल्फेट डालो, Na2SO4। क्या होगा भाई? बेरियम क्लोराइड भी एक क्लियर सोल्यूशन था, सोडियम सल्फेट भी एक क्लियर सोल्यूशन था, लेकिन जैसे उनको मिक्स करेंगे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यू विल ऑब्जर्व व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वॉटर। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं? द इनसोल्यूबल फॉर्म्ड इनसोल्यूबल सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन। देखो हुआ क्या है, सोडियम सल्फेट ने जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया ना, तो आप देखिए बेरियम ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया और सोडियम ने बेरियम को रिप्लेस कर दिया। सोडियम सल्फेट बन गया बेरियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड बन गया सोडियम क्लोराइड, एंड दिस बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्यूबल। तो जो प्रेसिपिटेट है वो बेरियम सल्फेट का है। तो इसके अंदर आप देखोगे किसी एक ने किसी को रिप्लेस नहीं किया, दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस किया। दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
सच रिएक्शन इन विच देर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. नाउ मैं सिंपली आपको बताता हूं, देखो ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. दैट्स इट, दैट्स इट. तो अगर आप कॉपर को हीट करोगे ना एक चाइना डिश में, तो आप देखेंगे कॉपर धीरे धीरे ब्राउन हो जाएगा. क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना लिया. अब इसमें क्या हो रहा है जी, कॉपर को ऑक्सीजन मिल गया ना, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहां कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन. लेकिन अगर वही आप इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट कर दोगे ना, तो आप देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड विल लूज इट्स ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे यहां कॉपर का हो गया रिडक्शन. सो इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड. एंड इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड. ठीक है, सो फर्स्ट वाले में कॉपर इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और दूसरे वाले में कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड. कॉपर रिड्यूस करना ठीक नहीं है, ऑल्दो मैंने कह दिया था कॉपर थोड़ी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लूज कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है. तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ था? कॉपर का. रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर ऑक्साइड. अच्छा, इनफैक्ट अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे सेकेंड वाले रिएक्शन, तो यहां पे कॉपर ऑक्साइड हैज लॉस्ट ऑक्सीजन बट हाइड्रोजन हैज गेन्ड ऑक्सीजन. तो हम ये कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. सो दीज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन. सो वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन. सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, वॉट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, डन. अच्छा, वन मोर थिंग. कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन होता है ना उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हुआ, दूसरे को उसने ऑक्सीडाइज कराया. और जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाएगा. नेक्स्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन एवरीडे लाइफ की बात करेंगे, मतलब कोरोजन और एसिडिटी की बात करेंगे. अभी तक अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. मीनवाइल मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इस रिएक्शन के अंदर आप मुझे बताइए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अभी तक नहीं किया है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू.